हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी बुआ ना ठंडियों में हमारे घर आ रखी है, लेकिन गर्मी आई नहीं रही, इसीलिए मेरी बुआ रजाई से बारी नहीं आ रही। भाई शिफ्ट हो रखी है रजाई के अंदर। क्या चीज? रजाई के अंदर ही शिफ्ट हो रखी है बुआ। अरे धूप नहीं आ रही है। अच्छा, कई लोग जानना चाहते हैं कि मैं घर चलाने के लिए क्या नौकरी करता हूँ। तो राशि, तूने इतना दूध क्यों डाला है कि जो सूख ही नहीं रहा, पूरी रात के इसी को पकाते रहेंगे क्या? तो अभी देवांशी को खांसी आई थी ना दोस्तों, तो उसकी दोनों नलियों से ना बाढ़ आ गई थी, इसीलिए हमने दोबारा से बुआ से बुलवाया। हेलो दोस्तों, तो गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन चुका है और इसमें डालेंगे हम जो आदत से मजबूर रहता ना इंसान, कभी नहीं सुधर सकता। अच्छा, और कल की शुरुआत होगी मीठे से। मेरा गिफ्ट भी तो दे दो। मेरी बुआ ना गांव की दाल ले जा रही है जो मम्मी ने भेज रखी है, और आधी हमने यहीं से ली थी, है ना। बुआ ये बुआ नहीं दे रही है बाबू, ये हम बुआ को दे रहे हैं। हाँ, हेलो दोस्तों, आज हम लोग ना बुआ के लिए लंच में कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग चाय से आरंभ करते हैं। पहले ले लेते हैं खाने से पहले चाय की चुस्की। मेरी बुआ की फेवरेट चाय कौन सी है पता है? पता है, अदरक वाली, वो भी कम भी नहीं, खूब भर भर के अदरक डालती हूँ, खूब कड़के वाली चाय पीती हूँ मैं हमेशा। मेरी माँ भी कड़के वाली चाय पीती थी और मैं भी। और हम पीते हैं तड़के वाली चाय। राशि तड़के वाली पीती है, मुझे तो चाय ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, इस वाली चाय में तुलसी मुलेती अदरक सब है। कान कांडा लगी रे, चाय पत गिर गया। मल्टीग्रीन चाय है। मल्टीग्रीन। जब भी मेरे हस्बैंड किचन में आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। ये इनकी आदत है। जो आदत से मजबूर रहता है ना इंसान, कभी नहीं सुधर सकता। अच्छा, तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। कौन सी चाय पत्ती? नोवा। कड़ाके वाली चाय है, एकदम लाल। अरे नोवा वाले सुन लो, हमारी बुआ को। और मेरी मम्मी है सोवा। मेरे पापा है ठोवा। मेरी बुआ ये पहला काम कर रही है जब से यहाँ पर आई है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैके में, तो काम करने का मन नहीं करता। अपने घर में तो मैं 10 बजे निपट जाती हूँ सब काम करके हैं। लेकिन मैके में होता ही ऐसे ठाट करने के लिए आती है। ठाट मतलब रेस्ट, आराम। आराम। अब इसको इधर है, इसको इधर शिफ्ट करो भाई। चल हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब बड़ा हो जा, चाय पिलाते रहे। हमारे पड़ोसी भी आ रहे दोस्तों चाय पीने के लिए, उनको खुशबू आ गई थी सापट से। बुआ कैसी हो रही है? चाय बड़ी मस्त हो रही। आज हम ना पहाड़ी कुमाऊं की ना बहुत ही फेमस भटकी चुटकाने बना रहे हैं, और पहले हम लोग ना ब्लैक सोयाबीन को भून लेते थे, लेकिन आज राशि जरा जो ब्लैक सोयाबीन है उनको बाद में भून रही है, प्याज और लहसुन के साथ, है ना। yes. जो तड़का उड़का होता है, प्याज लहसुन हरी मिर्ची। सुबह के लिए स्पेशल पहाड़ी डिश कम दे कम, भटकी चुटकानी विद हरी सब्जी। चावल ज्यादा दे दिए, बटो की चुटकानी खा रही हूँ मैं पहली बार या? और स्वाद देखती हूँ कि कैसे होता है। तो अभी देवांशी को खांसी आई थी ना दोस्तों, तो उसकी दोनों नलियों से ना बाढ़ आ गई थी, इसीलिए हमने दोबारा से बुआ से बुलवाया।
चलो बुआ खाओ। तो मेरी हाँ मेरी बुआ टेस्ट कर रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आत्मा तक गया, क्या आत्मा तक गया, बहुत ही बढ़िया। अति सुंदर है, अति सुंदर, मन पसंद हुआ बच्चा। अभी अभी देवान जी के ना ले बैठ। मैं भी बनाऊंगी संगम बिहार जाके भट की चुटकानी। मेरे को भी एक पैकेट राशि ने दे रखा है। हाँ। काले सोयाबीन भट। हाँ। भट बोलते हैं हमारे में भट। हाँ। तो दोस्तों इसी हंसी मजाक में हम लोग लंच कर रहे हैं और बहुत मजा आता है ऐसे। काश मम्मी भी होती मेरी यहाँ पर, है ना। मूली के पत्तों की सब्जी भी बना रखी और रोटी भी खा रही हूँ, चावल भी खा रही हूँ। कई लोग जानना चाहते हैं कि मैं घर चलाने के लिए क्या नौकरी करता हूँ। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि जो ऑफिस जाता है वही कमाता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। घर से भी कई काम होते हैं और मुझे वो आता है। सो मैं उसी में कमाता हूँ। बाकी जो हमें चाहते हैं उनको पता है ना। देखो शाम 6 बजे मेरी बुआ रजाई के अंदर पैक हो गई है। पैक यहाँ पर मेरा नौनू है और यहाँ पर मेरी नौनी और ये है मेरी छोनी। हेलो दोस्तों, मेरी बुआ पता है काजू बादाम क्यों काट रही है बताऊं? क्योंकि आज मेरी मम्मी गाजर का हलवा बनाएगी। मैंने देवांशी के नीचे ना गद्दा रख दिया है क्योंकि ना ये यहीं पर बैठ रही है, पता है। अब बुआ भी देख रही है ना। बुआ देवांशी को ना वही जगह चाहिए बैठने के लिए और इसलिए हमने गद्दा ही डाल दिया वहाँ कोने में। रात भर यही सुलाएंगे इसको। हेलो दोस्तों, आज मैं गाजर का हलवा कुछ नए तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैं गाजर को ना देसी घी में अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद ना इसमें 2 सीटी लगा दूंगी। हाँ। प्रेशर कुकर में ये अपने आप गल जाएगा ना। चलो डालो, ये इसमें देसी घी है और ये ना आप बड़े बड़े गाजर भी रख सकते हो ना, तो प्रेशर कुकर छोटा है ना, तो इसीलिए राशि ने काट दी है। दोस्तों अगर गाजर का हलवा इस तरीके से अच्छा बनेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही बनाऊंगी ताकि गाजर का जो घिसने का झंझट है ना वही खत्म हो जाए। नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हाथों में दर्द हो जाता है। ये थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं हम लोग ताकि ना जल्दी से गाजर गल जाए, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, गाजर में खुद ही पानी होता है। ये इलायची भी डाल रहे हैं हम लोग, इलायची नहीं है पाउडर है, और डाल देना, इलायची अच्छी लगती है। इतना भी नहीं डालना कि हमसे तो रहा नहीं गया, तो हम बच्चों के लिए लेकर के आ गए हीटर, है ना, हेवल्स का। 2 सीटी के बाद ना गाजर गलगला हो जाएगा। अब इस गलगले गाजर को जरा थलथला करना है। बेटा पिचक जाएगा वो, ऐसे मत करो। देवांशी ऐसे मत करो बाबू, ये बहुत ज्यादा शैतान है यार। तो ये स्वाद अनुसार चीनी, हमारे पास ब्राउन शुगर नहीं है और मेरी बुआ बोल रही है कि मुझे तो भैया व्हाइट शुगर पसंद है। तो दोस्तों अभी तक तो गाजर का हलवा बढ़िया लग रहा है और हमने अच्छे से मैश कर दिया इसको, है ना। तो अब हम ना गरम गरम दूध डालते हैं इसके ऊपर। या वैसे लाल पता क्यों लग रहा है? क्योंकि चीनी भी डाल दी, चीनी डाली नहीं, इसीलिए गाजर भी अच्छे थे ना वो, बिल्कुल लाल। ये दूध डालने का शुभ काम मेरी बुआ कर रही है। मलाई बुआ 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 मलाई हमको चाहिए। हाँ मेरी बुआ कंजूसी मत कर, डाल दे दूध। हम लोग खोया नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, दूध में ही बढ़िया बनता है और बाद में हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चलो तो दोस्तों मैं ना बच्चों के लिए हीटर लेकर के आया हूँ क्योंकि ना दिल्ली में बहुत ठंड हो गई है। हम लोग तो झेल लेते हैं ना, लेकिन जैसे रुदु सुबह सुबह स्कूल जाता है और फर्श भी बहुत ठंडा हो रखा होता है ना, और हमारे कैप्टन के लिए भी, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये हीटर जलाएंगे घर पे, है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं। और मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रही है राशि।
दोस्तों ऐसा लीटर लीटर नहीं हीटर हीटर ऐसा हीटर ना मैंने आज तक नहीं देखा है, तो फर्स्ट टाइम हमारे घर में आया है, तो आज हम इसी खुशी में गाजर का हलवा बना रहे हैं। इस पे हाथ नहीं लगाना, ठीक है? नहीं हाथ नहीं लगाना, इस पे करंट हुआ लगता है। कभी ना मम्मी आती है, पापा आते हैं ना, तो बहुत ठंड होती है, तो उनके लिए ये हीटर बढ़िया है। तेरा ही है? नहीं मम्मी मुझे भी दोगे? मम्मी मुझे भी दोगे? अटला दोड़ी से लगती है तो ऐसे। हम लोग ना इसमें और घी डाल रहे हैं जरा स्वाद के लिए। गाजर का हलवा आप बिल्कुल तैयार है? ऑलमोस्ट बन चुका है। ऑलमोस्ट है, बोला मिल जाएगा ऑलमोस्ट। चला बोला बोला ना, बुआ बुआ पुलिस पकड़ो जाता दीदी। ऊपर क्यों ले कर रही है? ऊपर क्यों कर रही है? ऐसे करना, नीचे को कर कैमरा। हेलो दोस्तों, तो गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन चुका है और इसमें डालेंगे हम काजू किशमिश बादाम। हाँ बादाम। क्या डालेंगे? काजू किशमिश बादाम। हाँ तो... लेकिन दूध सूखने में बहुत टाइम लगेगा, ये हीटर के नीचे ले जाना पड़ेगा सुखाने के लिए। नया हीटर आया तो हीटर के नीचे दूध सुखाने के लिए ले जाना पड़ेगा। राशि तूने इतना दूध क्यों डाला है कि जो सूख ही नहीं रहा? पूरी रात के इसी को पकाते रहेंगे क्या? क्या करे, बीरबल की खिचड़ी पक रही है। क्या क्या? बीरबल की खिचड़ी पक रही है भाई। बीरबल कौन है? वो कौन है? बादशाह। बीरबल हमारे गांव का है। बादशाह? बादशाह कौन है? बादशाह मैं। आज की डेट में बन जाएगा ना, कहीं पता लगा पूरी रात निकल जाएगा, कहीं पता लगा काची घुमाते घुमाते रात को ले ही। क्या कोई बात नहीं, नाश्ते में हम खाएंगे गाजर का हलवा। और कल की शुरुआत होगी मीठे से। मेरा गिफ्ट भी तो दे दो। कहीं गिफ्ट यही ना, कहीं मैं संगम बिहार गिफ्ट यही। क्या क्या? कहीं मैं संगम बिहार और गिफ्ट मेरा यही। लो भाई आज हम खाएंगे ड्राई फ्रूट। बस अभी मेरी बुआ ने थाली डाल दी थी, है वो जिसको लेना है तो आ जाओ 500 रुपए किलो। नए स्टाइल में गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है दोस्तों, तो अभी ना हम इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे और फिर खाएंगे। पापा जल्दी आओ, आ जाओ पापा। चलो सॉरी, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, तो उसके बाद जरा मीठा हो जाए। तो नहीं दूंगा अगर तुझे। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि बुआ को ना गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी। देवांशी जरा नखरे कर रही है, बाकी देखो। चीयर्स। चीयर्स। एक दो तीन चार पांच लोग हैं। देवांशी ना दो किलो गाजर में बहुत अच्छा बन जाता है ना। 2 किलो गाजर में अपने परिवार के लिए, 4 जनों के लिए, 5 जनों के लिए। मेरी बुआ की कटोरी से आप पता लगा सकते हो दोस्तों कि लाजवाब बना है। बच्चों ने भी खा लिया है और देवांशी नाराज हो रखी है, पता नहीं क्या हो जाता है ना ये। देवांशी थोड़ी थोड़ी बातों पे रूठ जाती है। हाँ रूठ जाती है ये, इसको मनाना पड़ता है। ऐसे रूठा ना करो। तो दोस्तों अगर फैमिली में ज्यादा लोग हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब मेहमान आ गए, तो ये वाला तरीका गाजर का हलवा बनाने का अच्छा है। लेकिन अगर नॉर्मली लोग हैं मतलब 4-5, 5-6 लोग हैं ना, तो जो गाजर को घिसते हैं ना, तो वो तरीका ज्यादा अच्छा है। यस, क्योंकि उसमें जब हम घी में भूनते हैं ना गाजर के घिसे हुए माल को, तो खुशबू जरा ज्यादा अच्छी आती है ना, क्योंकि वो अच्छे से भुन जाता है। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो गाजर ना अच्छे से नहीं भुन पा रहा। अच्छा तो हो रहा है देखो, नो डाउट, लेकिन जो घिसने वाला तरीका है वो ज्यादा अच्छा होता है। फाइनली हम लोग ना बुआ को गिफ्ट दे रहे हैं, जो हम केदारनाथ से लेकर के आए थे,
मुलाकात नहीं हो पाई थी दोस्तों इस खूबसूरत बला से। क्या चीज सो ये एक चैन है जो केदारनाथ से हम लाए थे, जो भोले बाबा जी का आशीर्वाद है। हाँ, कैसे लगी वो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो ये भी चाहिए? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। पहना दे। बहुत सुंदर, ये लो, ये वो है हाथ। तो हम लोग ना कुछ हाथ के ब्रेसलेट लेकर के आए थे और चैन। ये भोले बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, दिखाओ चैन। तो बुआ को ना ये चैन बहुत अच्छी लगी और अब बुआ चैन से सोएगी ना। अब चैन मिल गई तो चैन से सोएगी, नहीं तो बुआ को नींद नहीं आ रही थी। बुआ को ना ऐसी चीजें बहुत पसंद है जो कि केदारनाथ से आती है या वैष्णो देवी से आती है ना। बहुत पसंद है। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ ना। अच्छा, सबसे ज्यादा मानती हूँ भोलेनाथ। सो दोस्तों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, आपसे जल्दी हम लोग मिलते हैं, है ना। सो जाओ, बाय बाय, लव यू गाइस। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे।